ये खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां जिला प्रशासन निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया में जुड़ गया है। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने कहा कि वे पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। 26 अप्रैल को महासमुंद लोकसभा का चुनाव सम्पन्न होगा। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते ही राज्य में जो है और जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, और इसके संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां जिले स्तर पर कर ली गई हैं। और जो हमको जो भी संपत्ति विरूपण का है या जो भी मैंडेटरी ऑर्डर्स करने होते हैं वो हम सब जारी कर रहे हैं, और सभी अमले को भी निर्देशित कर दिया गया है कि आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करें, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए ऑलरेडी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी है, मतलब फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, स्टैटिक मतलब FSTs हैं, और ये सब चीज़ें हमने ड्यूटी लगा दी हैं। सबके प्रशिक्षण भी हो गए हैं और सभी से एक्टिव भी हो गए हैं, और जो CVG लैब है जिसमें लोग शिकायत कर सकते हैं वो CVG लैब भी आज से एक्टिव हो गया है।